हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट व्यूवर्स। आज हम अली नसीर साहब के सेटअप पे मौजूद हैं। इन्होंने आज हमें इनवाइट करा है। आज जो वीडियो है तकरीबन 4 से 5 टॉपिक इस वीडियो के अंदर होंगे। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि लवबर्ड्स की कॉलोनी किस तरीके से बनानी है, तो आज कॉलोनी के ऊपर भी बात होगी और सॉफ्ट फूड को कैसे वॉश करते हैं, एग फूड और सॉफ्ट फूड जो होते हैं उनको किस तरीके से मिक्स करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर ये वैक्सीनेशन करेंगे जो चेचक से मुतालिक होगी, आइस जो जिन बर्ड्स की आँखें ख़राब हो जाती है उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो होगी, डिटेल वीडियो बनेगी। बाकी चौथे नंबर पर रिंग हम बर्ड्स को पहनाएंगे और पाँचवें नंबर पर ह्यूमिडिटी जो है किस तरीके से मेंटेन करनी है उसके ऊपर आज जो है बात करेंगे अली भाई से। जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो का एंड तक आपको ज़रूर देखना ताकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और चले अली भाई से मिलते हैं, अली भाई के पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं और आज अली भाई हमें क्या क्या चीज़ें बताएंगे। समाचार अली नसीर भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम अरसलान, कैसे हैं आप? खैरियत से। अली भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है बर्ड की और क्या क्या बताएंगे आज वीडियो में? अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज मेरे पास तो 5 या 6 टॉपिक हैं आपके पास डिस्कस करने के लिए। भाई आपने जो मुझसे डिस्कस किया था, आपके पास आपके सब्सक्राइबर जो सवाल पूछे थे वो बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। एक तो कॉलोनी किस तरह से बनाई जाती है, कॉलोनी में बर्ड किस तरह से छोड़े जाते हैं उससे रिलेटेड मसले मसाइल। नंबर 2 सॉफ्ट फूड के अंदर सॉफ्ट फूड को वॉश किस तरह से किया जाता है और जब आप उसके अंदर एग फूड मिला रहे हो तो किन चीज़ों का उसका ख्याल रखा जाता है। और परिंदे को जो बहुत ही कॉमन बीमारी है चेचक की, कुरैजा की, जो आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन होती है वो हमेशा बीमारी से पहले करी जाती है, तो वो आज मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, बता भी दूंगा मैं कौन सी वैक्सीन कराता हूं। और बर्ड्स को मैंने ब्लड लाइन डिफरेंट करने के लिए कुछ रिंग्स वगैरह डालने हैं क्योंकि बर्ड्स बड़े हो गए थे तो अब वो क्लोज बैंड रिंग है वो उनके बर्ड्स के पैरों में आएगा नहीं, तो मैंने उन बर्ड्स के रिंग को कटवाया है ताकि मैं अपने घर की ब्लड लाइन और एक मेरे दोस्त थे उनसे मैंने लिए थे कुछ पेयर ताकि मैं अपने घर के परिंदे ही ना आपस में क्रॉस ब्रीड कराऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग ब्रीड कराऊँ, अपने घर के सारे परिंदों को क्रॉस ब्रीड ना कराऊँ, तो उसके लिए मैंने अलग अलग रिंग बनाए थे तो वो दिखाऊँगा आपको। और सबसे अहम मसला जो ब्रीडिंग सीजन के अंदर होता है वो होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेड इंग फेल होते हैं, तो उसको किस तरह से कंट्रोल रखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। भाई सबसे पहले आप क्या बताएंगे? आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट फूड के अंदर एग को किस तरह से मैश किया जाता है, उसको कितनी देर बॉईल करना चाहिए और फिर उसको सॉफ्ट फूड में किस तरह से मिलाना चाहिए, मिला के सर्व करना चाहिए। हम लोग तो एक्चुअली आज एक पर्पज़ से वीडियो बना रहे थे इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ये काम अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। सॉफ्ट फूड के बारे में आप बताएं। अरसलान मैं आज आपको सॉफ्ट फूड सोक करने से लेकर सॉफ्ट फूड सर्व करने तक का बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होता है। उसमें भी लोग बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से परिंदे का पेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है और परिंदा मोशन के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये पूरी रात का 12 घंटे का सॉफ्ट फूड भिगोया हुआ है, इसके अंदर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ये सॉफ्ट फूड जो है ये लवबर्ड्स का है, ये बजरीगर का है। इसके अंदर देखें आपको लोबिया वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें गंदम की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये ऑस्ट्रेलियन खा नहीं पाता जी, खा नहीं पाता। ये देखिए इसके अंदर ये सारा जो है लवबर्ड्स का है दाना भिगोया हुआ। ठीक है, अब मैं इसको वॉश करने का तरीका आपको बताऊँगा। सही, सबसे पहले आपने कोई ऐसी छन्नी ले लेनी है, उसके अंदर आपने सारा पानी ऐसे गिराना, चौबीस घंटे तक भिगोने के बाद इसको फिर वॉश करना है। जी बिल्कुल, अब इसको फ्रेश वाटर से हम लोग वॉश करेंगे। अब इसको पानी गिरने देंगे हम इसका और जिस बर्तन में पहले था उसको भी वॉश कर लेंगे। अब इस बर्तन के अंदर हम लोग थोड़ा सा सेब का सिरका डालेंगे। सेब का सिरका मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। सेब का सिरका कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये यूज़ किया है, असल चीज़ है सिरका, आप कोई भी सेब का सिरका यूज़ कर लें। तो ये किस काम आता है बर्ड्स के लिए? ये बैक्टीरिया किल करता है। देखिए जब आप पूरी रात ओवरनाइट जब सोक करते हैं सीड्स को तो इनके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो इसलिए इसको जो है विनेगर से वॉश करना चाहिए, उससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये सर्दी गर्मी दोनों सीज़न में यूज़ करवा सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि सेब का सिरका तो वीक में एक टाइम जो है बर्ड्स को देना भी चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से, आपको लग रहा होगा मैं इसको स्क्रब कर रहा हूँ सारे सीट को। ठीक है जी, अभी इसके अंदर ये स्क्रब हो गया, बीच में मैं बजरीगर का भी इसी सिरके के अंदर ही कुछ ना कुछ करके कर लूँगा।
ये थोड़ा सा मैं सिरके वाला पानी इसमें भी निकाल लेता हूँ और वापस से बजरी घर का जो फीड है वो इसमें डाल देता हूँ। एक तरह से हमें बार बार सिरका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपने कोई इतना इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, थोड़ा सा काम है बस आपने जो इसको, ये करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। और ये रोज़ आप जब भी दें बर्ड्स को सीड जो है वॉश करके दें, ऐसे ना दें। ये देखें जी, ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्रेश वाटर के अंदर मैंने इसको खंगाल लिया है, ये रेडी हो गया है आपका। इसका पानी हम लोग गिरने देंगे। अब हम लोग देखिए, जितनी मेहनत आप अपने बर्ड्स के साथ करेंगे बर्ड्स का उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि बैठे बैठे आपके बर्ड्स ब्रीड करें, हेल्दी रहें, तो वैसे बेसिकली कोई ब्रीडिंग फॉर्मूला नहीं है, ये बस बर्ड्स की हेल्थ के लिए होता है ज़रूरी। और हमें बर्ड्स के, अगर हम लोग शौकीन हैं बर्ड्स के, बर्ड्स को प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं, उनको अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं, इसी तरह जो परिंदे का पालने वाला है उसको भी चाहिए कि वो अपने परिंदे को अच्छी से अच्छी खुराक दें। ठीक है जी, ये बजरी का हो गया, रेडी हो चुका है? नहीं, अभी भी एक दो स्टेप्स बाकी हैं, वो बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए अरसलान, अभी हम लोगों ने सॉफ्ट फूड को वॉश तो कर लिया, अब हम लोग इसको ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के लिए हमने कोई भी टॉवल ले लेना, कोई भी मखमल का, सॉरी कॉटन का कपड़ा लेना, कुछ भी लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप लोगों ने कोई इसके लिए कोई इतना स्पेशल इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपके घर पे चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ में लेके आए। मेरे पास ये टॉवल एक स्पेयर था तो मैं इस टॉवल को लेके आ गया अपने यूज़ में। अभी देखेंगे, मैंने इसके अंदर दाना डाला और ये पूरा गीला हो रहा है, यानी कि बिल्कुल गीला था। गीली चीज़ देने से वही अगेन बैक्टीरिया पैदा हो सकता है इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ऐसे करूँगा कि ये सूख जाए, एक एक दाना जो है तौलिए से एब्जॉर्ब कर ले हमारा ये टॉवल और ये बिल्कुल दाना जो है सूख जाए। अब वापस इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, दाना जो है काफ़ी हद तक जो है सूख चुका है। अब हम लोग इसको 10 से 15 मिनट की धूप लगाएंगे, और धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो बचा कुचा बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अब अरसलान, मैं इसको धूप में रखूँगा ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए, और इसको आधे घंटे तक हम लोग छोड़ देंगे यहीं पर ही। सही, मतलब 5-10 मिनट ही तक रखेगा? 10 से 15 मिनट, जितनी देर में ये सूख जाए। ठीक है, मकसद इसको ड्राई करने का है। अरसलान, अभी हमने अंडे को बॉईल करने पे लगाया है, हम इसको 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। अंडे को हम लोगों ने हार्ड बॉईल करना है। अब अरसलान, हम लोगों ने अंडे हार्ड बॉईल कर लिए हैं 15 मिनट, अब उसके बाद हम लोग अंडे को मैश करेंगे। अंडे को मैश करने के लिए सिंपल, बीच में आप लोगों ने फोर्क रखना है और इसको प्रेस करना है। आधे हिस्से में अंडा हो गया है, अब हम लोग इसको कांटे से मैश कर देंगे। अच्छा, ये छिलके के साथ? छिलके के साथ, छिलका एक बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम की, और परिंदे को जो कैल्शियम चाहिए होता है उसमें सोडियम डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन किस्म के कैल्शियम्स होते हैं जो कि हर परिंदे को देने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि परिंदे को कौन सी कैल्शियम देनी चाहिए, किसी कंपनी का नाम बताएं, तो देखें किसी कंपनी के नाम की ज़रूरत नहीं। ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये तीन चीज़ें जिस भी सप्लीमेंट के अंदर है वो कैल्शियम परिंदे के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग उनको कैप्टिविटी के अंदर रखते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड बताऊं कि आप उसी का ही लेंगे तो काम चलेगा। ये तीनों किसी भी एवियन के अंदर, पोल्ट्री के अंदर आपको मिलता है सप्लीमेंट, जो परिंदे धूप में नहीं रखे हुए, इनको इतनी धूप नहीं लगती, आप लोग उनको दे सकते हैं ये। तो कहिए कि अब अली भाई ने अंडा मैश कर लिया है, अब सॉफ्ट फूड लेकर आ रहे हैं, फिर उसमें जो है मिक्स करेंगे ये अंडा। असलान, में सॉफ्ट ये ले आया हूँ, दालें वगैरह का मिक्सर जो है, अब मैं इसके अंदर एग का जो हमने स्क्रम्बल बनाया था, एग का जो चॉप किए हुए एग, वो डाल रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, एग डालने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, इसको हमने चम्मच से ही मिक्स कर देना है अपने सॉफ्ट फूड के अंदर। ये बर्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज रहती हैं इसके अंदर। बहुत सारे लोग अंडे को मैश करते हैं उसके छिलके के बगैर, मैं हमेशा से अंडे को छिलके के साथ यूज़ करता हूँ। अंडे का छिलका इटसेल्फ बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का।
नंबर टू है वैक्सीनेशन। जी अली भाई। अरसलान, ये मेरे पास एक फॉइल है कुरैज़ा की और एक फॉइल है चेचक की। मैं अभी सिर्फ चेचक की वैक्सीन कराऊंगा और कुरैज़ा की मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार क्या है? ये देखिए, मैं इसको आधा सीसी चेचक की वैक्सीन को लूँगा और उसके साथ 30 ml वाटर से मिक्स करूँगा और हर परिंदे के मुँह में इंडिविजुअली 2 ड्रॉप डालूँगा और इससे मुझे पानी के पॉट में डालने की ज़रूरत नहीं, वैक्सीन हो जाएगी। अच्छा रिजल्ट आता है इससे। और इसको दोबारा से मैंने वैक्सीन कराना है क्योंकि ये पट्ठों की वैक्सीन करा रहा हूँ मैं, पट्ठों की जिनकी कभी हुई नहीं है। सारे बड़े पेड़ के मेरे वैक्सीनेटेड हैं, अब ये पट्ठे जो निकले इनको भी वैक्सीन करानी है, इनको कभी भी लाइफ में वैक्सीन हुई नहीं है। तो ये वैक्सीनेशन कहाँ से मिलती है? वैक्सीनेशन है कोई, आप स्पेसिफिक एवियन के डॉक्टर्स वगैरह हैं, आप उनसे तलब कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये लोकल बनी हुई है, लोकली बैक्टीरिया के ऊपर जो है डॉक्टर ने रिसर्च करी थी और बैक्टीरिया जिस चीज़ से किल हो रहा होता, जो बेसिक हमारे पास चेचक आती है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, ये उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। तो चलिए इसको मिक्स करें। आपको लगा होगा ये क्या है जी, इतनी सी ही ये यूज़ होती है, ज़्यादा नहीं यूज़ होती, इसमें होती भी बहुत थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, कितने की बोतल है ये? यार ये छोड़ेंगे क्या करेंगे जान के, बस मेरा शौक है, मैं उसमें करता हूँ। अभी प्राइस बताना इसकी कोई मुनासिब बात नहीं है, वरना उस पर लोगों को काफ़ी एतराज़ होता है कि आप इसकी प्राइस क्यों बता रहे हैं। देखिए, मैं किसी मेडिसिन कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना शौक दिखा रहा हूँ कि मुझे क्या शौक़ है। अगर लोग हिफाजत करना चाहते हैं अपने परिंदों की तो कर सकते हैं। मेरा आपकी तरफ ध्यान तो थोड़ी सी गिर भी गई। ये अरसलान, हैंड फीड की सिरिंज के अंदर हम लोगों ने वैक्सीन बना ली। अब हम हर परिंदे को उठा के 2-2 ड्रॉप डालेंगे। अगर आज संडे है तो हम नेक्स्ट संडे को दोबारा से ये कोर्स करवाएंगे जिन परिंदों को मैंने नहीं करवाया। बाकी दूसरे परिंदे जिनको ऑलरेडी हो चुकी है उनको साल में अगर एक दफ़ा भी करें तो कोई मसला नहीं होता। तो गाइस, ये कि अब लवबर्ड को जो है सॉफ्ट फूड डालने और आपके सामने लवबर्ड माशाल्लाह से खाने के लिए फौरन आ रहे हैं। ये देखें अरसलान, इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ लवबर्ड कितने शौक से खाते हैं। हमने सॉफ्ट फूड डाला और डालते डाला माशाल्लाह से खाने के लिए। ये देखें ऊपर, देखें इधर, ये देखें ऊपर करें, ये देखें ये भी खा रहा है, ये देखें ये खा रहा है, नीचे करें, ये मेल फीमेल दोनों आते खाने लग गए, इधर करें, सारे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता भी आपको दिखाते हैं। ये देखें कॉकटेल खाने लग गया है सॉफ्ट फूड, अभी आपके कैमरे को देख के थोड़ा सा डर रहा है। तो माशाल्लाह सारे बर्ड्स आपके सॉफ्ट फूड के लिए मतलब ऊपर देखें कॉकटेल को, तो ऊपर कॉकटेल जो है सारे इंतज़ार करने लग गए हैं, सॉफ्ट फूड आएगा तो वो खाएंगे। देखिए नीचे से सॉफ्ट फूड डाल रहा है, अभी आपके सामने ये सारे बर्ड्स भी खाएंगे सॉफ्ट फूड। सही, वो देखिए कॉकटेल इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह ये खाना डाल दे, इतने शौक से सॉफ्ट फूड खाते हैं ये लोग। देखिए सॉफ्ट फूड डाला ही है, ये सारे माशाल्लाह से खाने पे आ गए। ये अली भाई के सेटअप को संभालते हैं माशाल्लाह से। क्या नूर हाँ। तो आपको कितना टाइम हो गया बर्ड्स को दाना पानी करते हुए? तो 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, तो सारा सेटअप आप देखते हैं, दाना पानी आप चेंज करते हैं? हाँ। सॉफ्ट फूड वगैरह आप बनाते?
अली भाई जाता है, मैं इसको देता हूँ। अली भाई बनाते हैं, आप सबको देते हैं? हाँ सही, सॉफ्ट फूड वगैरह आप देते हैं सब बर्ड्स को। एक्चुअली भाई ह्यूमिडिटी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए अरसलान, बर्ड्स की जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल होता है बर्ड्स के ब्रीड करने के लिए वो 50-60% होता है। अभी देखें आपको मीटर बता रहा होगा 25% है, 6:07 25% है अभी, और टेम्परेचर है 25% 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखें आप नीचे, मैंने ये ह्यूमिडिफायर लगाया है, ये नॉर्मल कोई भी फेशियल वगैरह में जो ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है, आपने सिर्फ ये पानी के वेपर्स जो ना एयर के अंदर स्प्रेड करेगा, इससे ह्यूमिडिटी हमारे शेड की बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग 50% या 55% पे आके रोक देंगे, बाकी इसको मेंटेन करेंगे। ह्यूमिडिटी के लिए एक चीज़ ज़रा याद रखने वाली है, जो समझने वाली है, वो ये है कि जब वेंटिलेशन होगी ह्यूमिडिटी कम होगी, आप जगहों को बंद करेंगे, एयर को बंद करेंगे तो हमेशा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो आपने कुछ भी करना चाहे, आप हवादार रखें या बंद करें, आपने ह्यूमिडिटी जो है ना 50-60% रखनी है। अली भाई आप रिंग के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? अजी अरसलान आए, मैं आपको रिंग दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो रिंग है ये इसको मैंने बीच में से कटवाया हुआ है, क्योंकि बर्ड्स की एज बड़ी हो गई थी, अब बर्ड्स के पैरों में रिंग नहीं आता था। बर्ड्स के पैर में रिंग हमेशा 8-16 दिन के बच्चे के पैर में रिंग डाला जाता है, उनकी वो एज गुजर गई है। तो अब मैं ये वाला रिंग जो है इनके पैरों में डाल के उसको हाथ से दबा दूंगा, ये वही वाला पर्पज़ करेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में या किसी कंटेस्ट करते हैं कहीं पे, तो ये तरीका बिल्कुल नहीं माना जाता, बच्चे को बचपन से रिंग डालना चाहिए। रिंग एक्चुअली हमारी पहचान होती है, रिंग या पहचान है, जैसे कि मैं ब्लड लाइन को, लोग कहते हैं बहुत सारे कि ब्लड लाइन कैसे स्ट्रांग होती है, बहुत सारे लोग दावे करते हैं कि मेरी ब्लड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता किसी के पास, ब्लड लाइन स्ट्रांग कैसे करते हैं, तो ये गलत दावे बहुत सारे लोग करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। ब्लड लाइन देखिए स्ट्रांग वैसी होती है जब आप इन फैमिली के अंदर ब्रीड नहीं करते, इन फैमिली ब्रीड से हमेशा ब्लड लाइन वीक से वीक होगी, रेड आई टू रेड आई ब्लड लाइन वीक होगी। लेकिन अब देखें माशाल्लाह से एल्बिनो और ये लोटिनो पर्सनाटा जितने भी रेड आई बर्ड है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, इनकी बहुत अच्छी ब्रीड हो गई, ब्लड लाइन स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब हमें ज़रूरत ये है कि हम कोई भी एक दाना, अगर हमारे घर का ब्रीड हुआ हुआ है पट्ठा, हम उसका पेयर लगाएं किसी बाहर के दाने से, बाहर के दाने से मतलब अच्छे ब्रीडर के दाने से। मैं हमेशा ये करता हूँ, किसी और के घर से दाना बुक कर लेता हूँ और एक अपने घर का पेयर, जब भी मुझे पेयर लगाना होता है, इससे माशाल्लाह से मेरे पास कंडम बच्चे नहीं आते। तो गाइस ये कि अब जो वैक्सीनेशन बनाई थी उसको अभी के एक एक दो दो कतरे हर बर्ड्स को पिलाने, तकरीबन 50-51 इनके पास पट्ठे निकले हुए, सबको वन बाय वन करके अली भाई को पिलाने, दो ड्रॉप डालें, सिर्फ दो ड्रॉप डालने, सिर्फ दो ड्रॉप डालने। अब इसके पैर में हम लोगों ने रिंग चढ़ाना। सही, ये आपकी होम ब्रीड है या तो आपने दूध से परचेज़? ये होम ब्रीड है, येलो कलर के रिंग डालेंगे। होम ब्रीड आपकी जो इसमें येलो कलर की रिंग है? जी ठीक है। मैंने इसका रिंग चढ़ा दिया, मेरे इसके पैर में रिंग है सर। सही, ये देखिए रिंग फिट आ गया माशाल्लाह से। ये बड़े पट्ठों का आपने छोटे पट्ठों में नहीं डाला, इस वजह से रिंग कटवाए भी आपने? बिल्कुल, माशाल्लाह से इसकी हेल्थ देखें, रिंग इसको कितना ज़बरदस्त आया है। बस छोड़ दें, कोई देखिए अरसलान, अभी मैं ह्यूमिडिटी बता रहा है 53%, ये आइडियल ह्यूमिडिटी है, इस पे हमें रोक लेना चाहिए। अब अली भाई जो है बर्ड्स कॉलोनी में डालने लगे, तो अली भाई कॉलोनी का साइज़ बताएं, कितना खर्चा आएगा और कॉलोनी क्यों बनाना चाह रहे हैं हम? देखिए सबसे पहले मैं आपको इस कॉलोनी का साइज़ बताता हूँ, ये कॉलोनी फ्रंट से 5 फिट है, डेप्थ इसकी 2.5 फिट है, हाइट इसकी 2 फिट है। अरसलान कॉलोनी बनाने का रीज़न ये है कि आजकल जैसे दाने की कीमत बढ़ते जा रही है और इंडिविजुअली हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक पेयर के ऊपर, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कॉलोनी लगाने का फॉस्टरिंग के लिए। अब उसमें अगर मेरे पास रिजल्ट इनका अच्छा है तो ये चल जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, या फिशरी चल जाए, कोई भी चल जाए, रीज़न लेकिन लगाने का इसको ये है इसलिए कि यहाँ पर मैंने करनी थी फॉस्टरिंग। अब फॉस्टरिंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बर्ड्स आपस में लड़ते हैं, इसलिए मैंने इंतखाब किया जो फ्रेश बेबीज़ हैं, बिल्कुल नए बेबीज़ हैं, उनको डाला जाए रिंग के साथ पेडिग्री मेंटेन करके। ये भी आपको वीडियो में भी दिखा दिया जाएगा कि किसको मैंने किस तरह से पेडिग्री मेंटेन करी, कौन सा परिंदा बाहर से मैंने लिया है और कौन सा परिंदा मेरे घर का है, और इसमें काफ़ी सारी अच्छी वैराइटीज़ हैं मेरे पास,
लुटिनो है, क्रिमिनो है और ऑफलाइन के स्प्लिट्स भी हैं। सही, सब ने आपने मतलब कॉपी पे लिख लिया कि इसके रिंग वगैरह नंबर और जी जी बिल्कुल प्रॉपरली मैंने उसको मेंटेन किया। इसमें उसका माँ बाप का डेटा भी होता है, उसका अपना कलर भी होता है, अगर वो स्प्लिट है तो किसका स्प्लिट है, सारी चीज़ होती है। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कॉलोनी का? जी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कॉलोनी का, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपने मतलब किसी से पूछा कि कॉलोनी किस तरीके से बनानी है, पट्टे छोड़ने हैं, ब्रीडर पेड़ छोड़ने, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कॉलोनी के अंदर अच्छी ब्रीड नहीं आती। देखिए सबसे पहले कॉलोनी के अंदर ना पेयर्स बनने का होता है। अब इसके अंदर हमने रिंग डाल दिए हैं, रिंग का अलग कलर है, ब्लैक कलर का जो रिंग है वो बाहर से लिया हुआ परिंदा है, जो येलो कलर का रिंग है वो मेरे घर का परिंदा है, वो अभी आपने भी पकड़ के देखा कि ब्लैक कलर के रिंग वाला परिंदा है, थोड़ा सा हल्का था, और मेरे घर के माशाल्लाह से जितने भी पट्टे हैं जो येलो रिंग वाले हैं वो साइज़ में भी बड़े थे और हेल्थ में भी बहुत अच्छे थे। अब इसमें ये होगा येलो कलर के रिंग वाले का पेयर बनेगा ब्लैक कलर वाले रिंग का, ताकि इसके अंदर जो है ब्लड लाइन स्ट्रांग हो। बेशक मैं मानता हूँ ये बहुत सस्ता परिंदा है, ये 1500, 2000, 2500 का परिंदा पेयर मिल जाता है आपको, लेकिन इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इसकी क्वालिटी को और रिफाइन किया जाए, अच्छी से अच्छी चीज़ अगर कोई मेरे पास लेने आए तो बेस्ट चीज़ लेके जाए। ठीक है, देखिए अरसलान, ब्लड लाइन अच्छी होने का, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का क्लेम तो बहुत लोग करते हैं, मैं आपको फिजिकली ब्लड लाइन किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ आज आप लोगों को। ये सारा मैसेज जो है न्यू फैंसियर्स जितने भी हैं सारे, ये उनके लिए है कि किस तरह से वो लोग अपने शौक को और मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और किस तरह कंडम बच्चे जो निकलते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये छोड़ने लगे बट कॉलोनी के अंदर कितने पेड़ रखेंगे? मेरा इरादा है कि एक सेक्शन के अंदर ना 20 से 22 दाने, 20-22 दाना मतलब 11 पेयर टोटल, तकरीबन 11 से 12 पेयर, 11 से 12 पेयर, और सब पे आप बाहर से बॉक्स लगाएंगे? सब पे बाहर से बॉक्स लगाएंगे ताकि मैं इंडिविजुअली जो है इनकी प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर कर सकूँ। सही, आ जाओ जी। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने माशाल्लाह से कॉलोनी सेट कर ली है, ये थोड़े बहुत पट्टे निकले हुए थे ये छोड़े हैं और ये नीचे सारे लबड़ से पट्टे हैं, इंशाल्लाह ताला अगले साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट इनमें से। ये देखिए ये कॉलोनी के अंदर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बॉक्सेस लग सकते हैं, 12 बॉक्सेस का ऑप्शन है इसके अंदर, हर साइड पे बॉक्सेस लगे हुए हैं, बॉक्सेस लगने का ऑप्शन है। इस कॉलोनी का साइज़ जैसे मैंने पहले बताया था 5 फुट इसकी वाइडनेस है, डेप्थ है इसकी 2.5 फुट, हाइट है इसकी 2 फिट, और ये मैंने लालू खेत के पास जो पिंजरे वाले हैं वहाँ से बनवाया है। अच्छा अली भाई, ये इसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको, कितना महंगा पड़ा है, सस्ता पड़ा ये? यार ऑलमोस्ट लगभग 23,000 रुपये का पड़ गया ट्रांसपोर्टेशन, 23,000। यस अच्छा, तो इसमें ये कि आपको एक फ़ायदा हो गया कि आपको दाना पानी करने में आसानी हो जाएगी? दाना पानी करने में बहुत आसानी होगी, और ये कि कम जगह पे ज़्यादा परिंदे आ जाते हैं, इससे साफ सफाई में भी बहुत आसानी रहती है। अगर ये इंडिविजुअली हम लोग कर रहे होते तो इस पूरे कमरे में भी केज लगा देना, वो भी केज कम पड़ रहे होते इतने परिंदों के लिए। जैसे देखें माशाल्लाह से सेट होने लग गए हैं, परिंदा छोड़ते साथ ही ये लोग दाना पानी खाने लग गए, सारे मेरे घर के पट्टे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह मुबारक करे भाई, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट कॉलोनी का ये होता है कि इनकी फ्लाइंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इनका साइज़ भी बहुत अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह से। ऑलरेडी आपको वीडियो में थोड़े बहुत साइजेस मैंने दिखाए हैं, और इनका जब ये बड़े होंगे इनके साइजेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सारे 2.5 महीने के पट्टे हैं, 2.5 महीने के। बस अली भाई, आपने जैसे बर्ड्स के जो रिंग नंबर थे वो आपने रजिस्टर पे लिखे, तो उसने वो आपने क्यों लिखे, उसकी पेडिग्री मेंटेन वगैरह क्यों करी आपने? देखिए अच्छा, उसको कहते हैं पेडिग्री मेंटेन करना, परिंदे की माँ कौन थी, बाप कौन था और वो किस तन में पैदा हुआ है, इसका अभी तो लोगों को, मैंने एक दो लोगों से भी डिस्कस किया था तो लोग कह रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बिलीव मी इसका फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, इससे ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग होगी। आइए मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ उसकी, ये देखिए ये आपके सब बर्ड्स के रिंग नंबर और कौन सी ब्लड लाइन है, के माँ बाप कौन है, सब आपने लिखा? बिल्कुल बिल्कुल सब लिखा हुआ है। सही, तो बस ये क्या प्रोग्रेस माशाल्लाह से, ये पार्लू यूविन की फीमेल है, पार्लू यूविन, हाँ, और मेल अल्बाइनो रेड आई का है, क्रिमिनो एक्सपेक्टेड है। सही, तो ये भी फर्स्ट ब्रीड कर रहा है? नहीं नहीं, ये इसकी थर्ड ब्रीड है माशाल्लाह से, तीसरी ब्रीड है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और इसका पहला वाला बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, आइए, इसका पहले का बच्चा यहाँ पे फॉस्टर हो रहा है और इन्होंने दोबारा से लिंक कर दिया है, ये देखिए। अच्छा ये माशाल्लाह से इसका कलर देखिए आप,
माशाल्लाह से। इसका फैदर देखें, कलर देखें, यूनिक कलर है माशाल्लाह। तो ये क्या कहलाता है? ये पार ब्लू है, डाइल्यूट के अंदर डाइल्यूट कलर है पार ब्लू का। लोकल ब्रीड आपके पास ये स्प्लिट इनो भी है, ये आगे जाके जहाँ भी ब्रीड करेगा तो ये एल्बिनो भी निकाल सकता है, ये ऑफलाइन भी निकाल सकता है, ओ सॉरी ऑफलाइन नहीं, क्रिमिनो क्रिमिनो निकाल सकता है, एक्चुअली रेड आई का स्प्लिट है माशाल्लाह। इसके अंदर एल्बिनो रेड आई भी दिख रहा है। हाँ एल्बिनो भी रेड आई इसने निकाला है, क्योंकि रेड आई का स्प्लिट पार ब्लू तो पहले से ही था और एल्बिनो रेड आई के साथ लगाया है, तो डेफिनेटली एक ना एक एल्बिनो ब्लैक आई भी इसका शायद आया है। देखिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। ये डाइल्यूट कलर कहलाता है, ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कलर है और ये इसका बच्चा नहीं है, ये यूविंग मुझे लग रहा है कि यूविंग बन रहा है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े यूनिक कलर आए मेरे पास। इसके अंदर देखें फीमेल बहुत अग्रेसिव है। अच्छा इसके अंदर कौन कौन से बच्चे पल रहे हैं? इसके अंदर ऑलिव भी है, यूविंग भी है, एल्बिनो भी है और ये सारे जो है ना इनो के रेड आई के स्प्लिट है। ये कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, काटती फीमेल बड़ी अग्रेसिव है, काटती है। आ जाए अंदर आ जाए। ये ऑलिव वगैरह इसमें देखें, इसमें सारे नॉर्मल हैं। ये जो है आगे एक एल्बिनो का बच्चा है और ये जो है फिशर है स्प्लिट इनो, ये भी एल्बिनो का स्प्लिट है। एल्बाइनो का मतलब सॉरी इनो का मतलब रेड आई का स्प्लिट है और एल्बाइनो का यानी कि वाइट बर्ड का स्प्लिट है, वाइट बर्ड यानी ब्लू का स्प्लिट। सॉरी यार क्या हो गया मुझे, यहाँ देखें ये देखो माशाल्लाह से अंडे आए हुए इसमें, माशाल्लाह से अंडे आए हुए, ये फेरे हुए अंडे मैंने, फोस्टरिंग करी हुई सही। इधर देखो इधर माशाल्लाह से अंडे आए हुए, इधर देखें इधर अंडे आए हुए हैं, 3-11 को उसने अंडे दिए हैं। दिखाइए मैं आपको, यदि अंडे पे बैठी हुई है लोटिनो पसनाटा रेड आई की फीमेल। अरे माशाल्लाह से बच्चा भी निकल आया है, मैंने भी देखा माशाल्लाह से बच्चा भी निकल आया। हाँ बस अभी इसको रात का वक्त है, इनको इतना छेड़ते नहीं हैं हम लोग। इधर इधर आए, इधर सही इधर आए, इधर देखें माशाल्लाह से 4 अंडे आए हुए। ये कौन सा पेयर है यार? ये पेस्टल का, पेस्टल की फीमेल है स्प्लिट इनो की, और जो मेल है इसके अंदर ये फिशर है स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का। ठीक है माशाल्लाह से प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, मेरे पास इनमें से एल्बिनो आ रहे हैं। इस पेयर ने कुछ भी नहीं किया, ये पेयर मुझे लग रहा है कि सही काम का नहीं है। इस पेयर को देखें, ऑलिव की फीमेल है माशाल्लाह से बड़ी अग्रेसिव है, इसके अंदर भी एक रेड आई का बच्चा आपको मिलेगा। देखें थोड़ा सा इधर करें जी, रेड आई इसका बच्चा नहीं है, फेरा हुआ है सही। ये पार ब्लू है माशाल्लाह से, सिंगल फैक्टर स्लेटी है, इसके भी बच्चे आए हुए हैं और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे इस दफ़ा पार ब्लू दिए, एल्बिनो रेड आई के साथ इसको पेयर अप किया हुआ है, तो जो भी बच्चे होंगे वो रेड आई के स्प्लिट होंगे ऑटोमेटिकली। अब इनमें से जो भी पार ब्लू है वो रेड आई का स्प्लिट होगा। ऊपर ये पेयर अभी लेइंग करने वाला, नया जोड़ा लगाया है माशाल्लाह से, फिशरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्योर फिशरी। इसका हेड देखें जो हल्का फुल्का डर्टीनेस है, चीक्स बिल्कुल क्लियर है, इसको एल्बिनो रेड आई के साथ लगाया हुआ है। मैं ज़्यादातर पेयरिंग जो करता हूँ ना एल्बिनो रेड आई के साथ पेयरिंग कर रहा होता हूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह से पट्टे थोड़े से बड़े हो गए, एल्बिनो रेड आई है, ये लोटिनो पर्सनाटा रेड आई है सही। ये पेयर ब्लैक आई का है, ब्लैक आई का है स्प्लिट इनो है, लेकिन ये ब्लैक आई बच्चा भी निकलता है, रेड आई बच्चा भी निकालता है, लेकिन लोटिनो पर्सनाटा जो है वो सॉरी लोटिनो फिशरी जो है वो किसी और का बच्चा है सही। ये देखें इधर आए, कैमरा क्लोज ना करें, ज़्यादा हिलाना नहीं हमने फीमेल को। ये देखें ये भी अंडों पे बैठी है माशाल्लाह से, ये रेड आई है ब्लैक आई? ये ब्लैक आई है, ब्लैक आई, ये किसी की स्प्लिट नहीं है, ये सिंपल ब्लैक आई है सही। देखें एक बच्चा मर गया है इसके अंदर, अच्छा एक बच्चा एक्सपायर हो चुका है, एक बच्चा एक्सपायर हो चुका है और ये मेरे ख्याल में अभी 1-2 घंटे में ही हुआ है। चले कोई बात नहीं, अल्लाह की चीज़ से अल्लाह ने ले ली, इसको निकाल देते हैं हम लोग। इससे पहले पसनाड़ा रेड आई का ये पेयर का, देखिए रेड आई टू रेड आई हमेशा जब भी लगाते हैं ना ब्लड लाइन वीक ही आती है, जब भी रेड आई टू रेड आई लगाते हैं ब्लड लाइन वीक हो जाती है। तो ये मरा किस वजह से? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हो सकता है बच्चे पैदा होते हैं पैराटाइफाइड वगैरह होता है बच्चों को, खाना वाना तो उसने खाया हुआ, खाना भी खाया हुआ। अब देखें ना रेड आई टू रेड आई ब्लड लाइन वीक का मतलब ये होता है बच्चे मरते हैं काफ़ी, इसलिए हमेशा रेड आई को ब्लैक आई से पेयर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं स्प्लिट बना रहा हूँ, उन पर देखें कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, रेड आई टू रेड आई लगाएं इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं आती, ये नेचुरली कुदरती है, रेड आई होता है वीक ब्लड है। लवबर्ड के अंदर ऑफलाइन है, ये ऑरेंज होड ऑफलाइन, इसने माशाल्लाह से अंडे दिए हुए,
ये किसके साथ पेड़ लगा हुआ है? लोटिनो के साथ। लोटिनो के साथ लगाया हुआ है। बच्चे नॉर्मल ग्रीन कलर के आते हैं, लोटिनो आते हैं, उनमें से जो भी मेल होंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। उनको आगे किसी से भी पेयर करेंगे तो ऑफलाइन बच्चे आएंगे आपके पास, लेकिन सारी फीमेलें आएंगी ऑफलाइन। पीसेज एक्स्ट्रा इनकी पेयरिंग नहीं हो पाई थी, पार ब्लू वगैरह है, और ये दोनों पार ब्लू के स्प्लिट या ब्लू के स्प्लिट है। ये बेचारा फॉरेस्ट में भी आ गया था, उसको फौरन हम लोगों ने ब्रीडिंग से अलहदा किया। ये लोटिनो का मेल है अलहदा से। अब देखें अब इसकी कोई इनके अगर कोई इनकी क्वालिटी का कोई अच्छा बर्ड मिलता है तो फिर इनको भी लगाएंगे। ये दोनों जो फिशरियाँ हैं ये पार ब्लू की स्प्लिट हैं। ये पीछे जो फीमेल है ये भी ये एक्चुअली पार ब्लू है। ये तीनों जो है ना फीमेल हैं, और पीछे जो है जो पीक फेस का है वो मेल है। जी भाई, अगर कोई हमारे व्यूअर्स आपसे पूछना चाहे बर्ड्स के बारे से, आप इनको रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं? जी, इससे पहले भी कुछ वीडियोस वगैरह आपने दिए, उन सब पे मैंने आपके जो भी कमेंट्स हुए उस पे रिप्लाई करा है। अगर उसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे ज़रूर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वक्त की पाबंदी करें। एक शख्स ने पहले लास्ट टाइम भी आपसे नंबर लेके दिया था, उसने मुझे रात को 2:30 बजे फ़ोन किया, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें कि हम लोग भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, हमें भी सुबह उठना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें कि कॉल करते हुए एक दफ़ा पूछ लें किस मसले में बात करनी है। अगर मैसेज पे कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी डायरेक्ट कॉल करनी है कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद ना करें कॉल, और सुबह जो है 9 बजे के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। वर्किंग टाइम में कॉल करें, कोई एतराज़ नहीं है। वर्किंग टाइम से हटके करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। असलान, ये सिल बेरिंग नेटवर्क की तरफ से आपको गिफ्ट है, इसको रिसीव कीजिए प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। ये लीजिए।